जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, वो ये है कि एक इंडियन कंपनी जो है भारतीय नौसेना के जो स्पेशल कमांडो है मार्कोस, उनको जो है इंडियन मेड जो पिस्टल है वो सप्लाई करेगी। तो क्या है पूरी खबर वो भी जानेंगे, और ये कौन सी कंपनी है उसके बारे में भी जानेंगे, कौन सी पिस्टल है जिसको भारतीय कंपनी जो है इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो को सप्लाई करने वाली है, तो सब कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने फैसला किया था कि भारतीय नौसेना के जो स्पेशल कमांडोज हैं मार्कोस, उनके लिए पिस्टल खरीदने का फैसला किया। तो ये जो पिस्टल खरीदने का जो फैसला था, इसका जो टेंडर है भारतीय कंपनी जिसका नाम है पीएलआर सिस्टम, उसको दे दिया गया था। जो पीएलआर सिस्टम है ये अडानी ग्रुप और इजरायली वेपन इंडस्ट्री का ज्वाइंट वेंचर है। जो इजरायली वेपन इंडस्ट्री के हथियार हैं उनको ये भारत में बनाते हैं, जैसे कि तेवर राइफल हो गई, तेवर X95, तेवर जो कई अन्य प्रकार की जो तेवर की जो स्नाइपर राइफल है वो भी बनाते हैं, गलीर स्नाइपर राइफल, यूजी और मसादा जो 9 mm पिस्टल है ये उनको भी बनाते हैं। तो भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने मसादा 9 mm जो पिस्टल है उनको खरीदने का फैसला किया था मार्कोस कमांडो के लिए। तो ये भारत में ही बनेगी और इनको जो है नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। जो मसादा 9 mm पिस्टल है काफी ज्यादा वर्ल्ड फेमस है, और ग्लॉक बरेटा जो पिस्टल्स हैं उनकी कैटेगरी में आती है। इसका जो वेट है वो करीब करीब 650 ग्राम है विद एम्प्टी मैगजीन। मसादा पिस्टल है ये जो है इजरायली वेपन इंडस्ट्री द्वारा सन 2017 में मतलब इसको प्रोडक्शन चालू किया गया था। ये जो है स्ट्राइकर फायर्ड शॉर्ट रिकॉइल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, और ये जो है पॉलीमर बेस्ड पिस्टल है जैसे कि ग्लॉक होती हैं। इसका जो मैन्युफैक्चर करती है वो इजरायली वेपन इंडस्ट्री, और भारत में इसका पीएलआर सिस्टम इसको बनाती है भारत में। वहीं इसका जो वेट है वो 650 ग्राम है विद एम्प्टी मैगजीन। बात की जाए लेंथ की, तो जो इसकी लेंथ है वो 190 mm है। बात की जाए बैरल की तो 104 mm इसकी बैरल लेंथ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बायजूस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ऐप है इनके जरिए जो है मैराथन सीरीज चल रही है जो कि फ्री है। ये जो है CDS सेकेंड 2021 का जो एग्जाम है उसके लिए फ्री में प्रिपरेशन करा रहे हैं जो कि 14 नवंबर को होगा। आप भी जो है इनको ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जो कि रोजाना शाम 6 बजे से चलती हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इनका यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाके फ्री में जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं CDS सेकेंड जो एग्जामिनेशन है उसकी जो कि 14 नवंबर। बात की जाए मसादा 9 mm जो पिस्टल है उसके कैलिबर की, तो ये 9 mm कैलिबर में आती है जिसकी मैट्रिक नोटेशन 9x19 पैरावेलम है। बात की जाए इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज की, जो मसादा 9 mm पिस्टल है इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज जो है 50 मीटर है जो कि अच्छी खासी मानी जाती है। बात की जाए मैगजीन की, तो इसकी मैगजीन में 17 राउंड आ जाते हैं। बात की जाए कौन कौन से देश इसको यूज करते हैं, तो अब इसको जो है इंडियन नेवी के जो मार्कोस कमांडो है वो भी यूज करेंगे भविष्य में। इसको इजरायली आर्मी पुलिस यूज करती है, फिलिपीन जो पुलिस है आर्मी है वो भी यूज करती है, और मेक्सिको की जो आर्मी पुलिस वो भी यूज करते हैं। ये जो है ग्लॉक की बिल्कुल की टक्कर की एक पिस्टल है जो मसादा है। मसादा जो 9 mm पिस्टल है ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास और बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाली पिस्टल है। आप इस पर कई प्रकार की एसेसरी अटैच कर सकते हैं जिनमें ऑप्टिक्स है, लेजर साइट्स है, कई अन्य एसेसरी भी इस पर अटैच कर सकते हैं। दूसरा, भारतीय नौसेना के जो मार्कोस कमांडो हैं ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो एलाइट कमांडोज होते हैं मरीन कमांडोज में से एक है, तो अब वो इनको यूज करेंगे तो काफी खुशी की बात है। लेकिन ये लिमिटेड नंबर में ही खरीदी जा रही है, मात्र 500 ही खरीदी जा रही है। हो सकता है इस नंबर को आगे भविष्य में बढ़ा दिया जाएगा। और ये अब पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, भारत में देखिए ग्लॉक पिस्टल्स भी बन रही हैं और मसादा 9 mm पिस्टल भी बन रही है, तो क्या भारतीय जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने सही फैसला किया है मसादा 9 mm जो पिस्टल है उनको खरीद के, या ग्लॉक खरीदनी चाहिए थी? इसके ऊपर आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस हथियार से रिलेटेड, डिफेंस न्यूज से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।